12 नवंबर के जो बेल पर जुटे हुए लोग थे उनकी तारीख थी और ये समाज के लिए पहली तारीख थी, मगर जज साहब के छुट्टी पर रहने की वजह से आज उसमें कोई बात तो नहीं हो सकी हमारे वकला की तरफ से, लेकिन तारीख हम लोगों ने हाजिरी लगा कर, जो लोग भी हाजिर हुए थे हाजिरी लगा कर तारीख ले ली और 8 अगस्त की हमें तारीख दी गई है। इस मामले में ये तो समाज का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे लिए और शहर के लिए फिक्रमंद होने का सवाल, जो लोग बंद हैं, हम लोग जो यहाँ आज खड़े हुए हैं, ये सभी लोग छूट गए हैं। हम सब लोग यहाँ जेल में थे, मेरे साथी यहाँ जितने हैं जेल में, कितनी तकलीफ़ होती है, हमने कितनी तकलीफ़ सही, वही मरहले से हमारे दूसरे साथी आज गुजर रहे हैं, मगर कोर्ट के प्रोसीजर में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जा रही है जो हमारे हाथ में भी नहीं है, जबकि सीनियर काउंसिल लगा लेने के बाद उनके हाथ में भी नहीं है। आज जो 30-32 लोग नासिक सेंट्रल जेल में बंद है उनका लगभग 9 महीना होने के करीब है। ऐसे हालात में मैं उनके घर वालों से भी यही कहूँगा कि सब्र करें और हम लोगों की तरफ से कोशिश जारी है और मालेगांव शहरियान से भी यही गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि जो लोग बंद है 9 महीने से वो ऐसे लोग नहीं हैं जो सब्र करें और हम लोगों की तरफ से कोशिश जारी है और मालेगांव शहरियान से भी यही गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि जो लोग बंद है 9 महीने से वो ऐसे लोग नहीं हैं जो जिन्होंने कोई गुनाह किया हो, बेगुनाह लोग आज इतना लंबा जेल की सज़ा काट रहे हैं जिसका दुख हमें भी है। और आज तारीख 25 जुलाई हाईकोर्ट में जो उनकी थी बेल एप्लीकेशन की, और शहरियान भी बहुत पुरुम्मीद थे और हम भी बहुत पुरुम्मीद थे, मगर अचानक जज का ट्रांसफ़र होना ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। लेकिन कल और परसों दो दिन में हम लोग मुंबई जाने का इरादा रखते और वकला से बातचीत करके अभी जो जज साहब आए हैं इनके सामने बेल एप्लीकेशन कब रखेंगे और आगे किस तरह से जल्द इनकी रिहाई हो सके इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं हमारे यहाँ जो साथी हैं मैं सभी से यही कहूँगा कि उनके लिए दुआएं करें और कोशिश करें, क्योंकि हम खुशकिस्मत हैं कि आपके सामने बाहर हैं, हम में से कोई 3 महीना कोई 4 महीना जेल काट के आया है, मगर जो हमारे बाकी साथी बचे हैं आज वो 9 महीना करीब होने पे आया है, उनके घर के क्या हालात होंगे, वो अंदर किस हालात में होंगे, ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता।